लास्ट टाइम हमने ये चीजें की थी, एक किया था टॉर्क, उसकी फॉर्मूला थी आर क्रॉस एफ, इसके अलावा किया था एल, उसकी फॉर्मूला थी आर क्रॉस पी, और इनके बीच में हमने रिलेशन किया था टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी। ठीक है, याद है सबको? यस सर, अभी हम करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। डीएल लेंथ क्या बेटा, है ना, लेंथ अपॉन टाइम का है ना लास्ट टाइम टॉर्क? नहीं था लेक्चर में? नहीं सर, एल यहाँ पे है एंगुलर मोमेंटम, ओके सर। क्या है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसकी फॉर्मूला होती है आर क्रॉस पी, जहां पी मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, आर मतलब रेडियस। ओके। लीनियर मोमेंटम की तो फॉर्मूला पता है तुम्हें, एम इंटू वी। हाँ सर। टॉर्क टाउ मतलब टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, एफ का मतलब फोर्स, ये जो ना इसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, ठीक है, मतलब एंगुलर फोर्स और लीनियर फोर्स में रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम रिलेशन, फिर एंगुलर फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन, गॉट इट? जैसे ओके कहता सर। है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद है ये? बस एफ की जगह हाँ सर। टॉर्क है यानी एंगुलर फोर्स, पी की जगह एल है यानी लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। ठीक है, कंसीडर सिस्टम मेड अप ऑफ एन पार्टिकल्स परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, फॉर्म्स रोटेशनल मोशन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, अब जो रिजल्टेंट आएगा वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस डॉट डॉट एल एन। इसमें एल वन एल टू ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम है और एल पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम, तो ये एल इज इक्वल टू एल वन को लिखेंगे आर वन क्रॉस पी वन, एल टू को लिखेंगे आर टू क्रॉस पी टू डॉट 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 आर एन क्रॉस पी एन। समझ में आई सबको बात? यस सर, यस सर। सपोज फॉर एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के लिए जो आर है वो सपोज करो परपेंडिकुलर है पी के, तो आर क्रॉस पी जो है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ लिखेंगे 90 क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है हमने, तो क्या बन जाएगा आर पी। तो उस हिसाब से
then magnitude of angular momentum, तो उस वक्त फॉर्मूला बन जाएगी तुम्हारी L equals to R1P1 plus R2P2 कहाँ तक RN PN, ठीक है। इसमें R1 सेम, P1 लिखेंगे M1V1, R2 सेम, P2 लिखेंगे M2V2 कहाँ तक RN MN VN। सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। में R1 सेम, M1 सेम, V1 लिखेंगे ओमेगा R1, क्योंकि फॉर्मूला होती है तुम्हें याद होगा V equals to ओमेगा R, प्लस R2 सेम, M2 सेम, V2 लिखेंगे ओमेगा R2, RN MN VN लिखेंगे ओमेगा RN। समझ में आई सबको बात? यस सर। यस सर। अब इसमें एल एज इट इज, इसमें M1 R1 स्क्वायर हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर हो जाएगा, .. MN RN स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। सब में देखो ओमेगा कॉमन, बाकी वैल्यू को समझ आए बेटा बात यहां तक? तो ये जो R1 स्क्वायर है, M2 R2 स्क्वायर, MN, इस टर्म को हम बोलते हैं कैपिटल I, वेयर I इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, कहां तक जाएगा ये? MN RN स्क्वायर। इस I को हम लोग नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जिसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज इक्विवेलेंट टू मास। मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास, इक्वल टू मास नहीं, इक्विवेलेंट टू मास। इक्विवेलेंट टू मास का मतलब क्या होता है? एप्रोक्सली मास के इक्वल हो। नहीं, इक्विवेलेंट का यहां पे मीनिंग है कि लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, एंगुलर मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करती है। बात समझ में आई बेटा? इतनी मतलब उसके जैसा? यस सर। हाँ, जैसा मतलब लीनियर मोशन में जहां जहां मास की जरूरत पड़ती है, एंगुलर मोशन में वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या थी, याद है? एमवी। जहां पी मतलब लीनियर मोमेंटम, यहाँ पी की जगह एल है, एल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ v है, v मतलब लीनियर वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास है, उसकी जगह यहाँ पे कौन है? आई है। मतलब लीनियर मोशन में जहां हम मास यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग आई यूज करते हैं। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? सर, mvr तो एक फॉर्मूला है और ये दूसरी है। हाँ, ये दूसरा टर्म है। सबको समझ में आ गया बेटा बात? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। फिर ध्यान देना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम अगर हम टॉर्क की बात करें, तो हमने अभी पढ़ा था टॉर्क जो होता है वो होता है DL/DT। तो इसमें टाउ सेम, D/DT सेम, L की जगह लिखेंगे I ओमेगा।
तो आई तो बाहर आ जाएगा। बता सकते हो डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? अल्फा अल्फा इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, द टाउ बन जाएगा आई अल्फा, और ये मैच करेगा इस फॉर्मूला से, जहां एफ मतलब लीनियर फोर्स, टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, ए मतलब लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। सिमिलरली यहां मास यूज होता है, यहां पे आई यूज होता है। समझ में आए बेटा बात सबको? यस सर। अब एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं, पूरा समझना, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा इमेजिनेशन है। समझो ये एक रॉड है, ठीक है? क्या है? रॉड। और इस रॉड से हमने एक मास बांधा है यहां पे, ठीक है? अगर हम अपने हाथ को, अपने हाथ को यहां पे पकड़ के रखें, ये अब समझो हमारा हाथ है, ठीक है, एग्जैक्ट टच पे, तो मुझे बताओ इस मास को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा? सिंपल समझो, मास जो है, मान लो कि मास की वैल्यू है 10 kg। एक सेकेंड, मेरी पेन घिस गई है शायद। समझो मास की वैल्यू है 10 kg, ठीक है? और जी होता है 10 m/s², तो नीचे कौन सा फोर्स लगता है? F=mg, 100 N। Yes. अगर मुझे इस मास को इस रॉड पे जस्ट खाली होल्ड करके रखना हो, तो मुझे कितना फोर्स ऊपर की तरफ देना पड़ेगा? 100 N। सिंपल है, 100 ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं अपना हाथ यहां ले जाऊं, तब भी मैं क्या 100 N से उसको पकड़ सकता हूँ कि नीचे घिस घिस जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका मास तो बदला नहीं, 10 ही है, तो नीचे तो 100 ही है, फिर भी मुझे इसको होल्ड करने के लिए 100 नहीं, 100 से ज्यादा चाहिए। और जितना मैं दूर जाऊंगा उतना ज्यादा चाहिए, क्योंकि उस वक्त मास इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्या हो जाता है? आई आ जाता है। आई का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि तुमने डिस्टेंस बढ़ाया ना। यस। तो एम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? आर का स्क्वायर। अगर तुमने 2 m आगे बढ़ा लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 times. तो जो वैल्यू जितनी चाहिए उसे 4 times तुम्हें ज्यादा चाहिए होगा ताकत। समझ में आया बेटा बात? Yes, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है, समझ में आ गया? देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अपनी सिचुएशन को होल्ड करके रखना। तो जब डिस्टेंस जीरो नहीं होता, तो होल्ड करने के लिए सिर्फ मास होता है, लेकिन जब डिस्टेंस होता है तो मास के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर भी होल्ड करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त हम लोग मास की जगह कौन सा रोल प्ले करवाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो फटाफट ये लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।